मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी देख रहे हो वीडियो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो अलग है। मैं आज की वीडियो में कमेंट्री कर रहा हूँ सोलो में, क्योंकि मैं मर गया, मेरे को कोई गन नहीं मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना कमेंट्री करी जाए। तो बस स्टार्टिंग में उतरा और मुझे कोई भी ढंग की गन नहीं मिली, उस गन से कुछ कर भी नहीं सकता था। अब मैंने बैट वाला ढंग से यूज़ नहीं किया। तो कमेंट्री है बेसिकली, पसंद आया आप लोगों को अच्छी बात होगी, नूब कमेंट्री। लाइक करना मत भूलना, नहीं तो रात को ये चीज़ों में सोने नहीं देगी, ठीक है। अब वीडियो चालू हो रही है, चलो भाई फेटर चलते हैं। अपनी नई पिंग ढंग से आ रही, क्या हाल है। मॉइस्टी फार्म जाना चाहिए था, वो लाल लाल क्या बना रहा। अच्छा एक बंदा उधर है जो कि घर को उतर रहा है, और मेरी पिंक को भी अभी जाना है। मेरी पिंग और FPS दोनों का है मेरे। चल कंप्यूटर चल, इस बंदूक के सहारे कैसे जीत सकता हूँ मैं। ऊपर चेस्ट में बढ़िया सी, वाह ऊपर चेस्ट ही नहीं है। मेरा कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। वाह सच में मेरा लक नहीं है, मुझे गन नहीं मिल रही। मुझे इसको बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा। और हम मर गए। 34 कैसे पहुंच गया पता नहीं, मैं गनों के साथ और ये मर गया ना मेरे, उससे तो बड़ा मजा आएगा मुझे। चलो देखते हैं, इसे पता लग जाता है पिंग से। तो इसके पास है टैक्टिकल शॉटगन, ग्रीन AR जो मुझसे ली इसने, बहुत अच्छी नहीं थी। SMG थी इसके पास। ओके बीच में देखने गया था सेटिंग क्या प्रॉब्लम रही, तो इससे तो जीत जाएगा ये आराम से, बंदा नूब है। नहीं स्टक हो गया ये, अब देखना है इसको कैसे बाहर निकलता है, स्टक हो गया है। ओके तो अभी यहाँ पे पेड़ों की वजह से बिल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसने ऊपर गया हाइट के लिए, मगर वो पेड़ वापस चढ़ेगा, ये वापस नीचे आया। अब सोचा क्या करे, और एक बंदे ने स्प्रे किया और एक गया, मैं दिख रहा था ये जाएगा बंदा, पेड़ों ने इतना परेशान कर दिया, इसको जाना था ही। तो उसके पास है अपनी एपिक टैक्टिकल नई वाली जो आई है,
एसएमजी और वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ओ शील्ड दो लेके चल रहा है ये, स्लर्प और मिनीस पूरे एंड गेम के हिसाब से जा रहा है ये। 19 लोग बचे हैं, हैक कर रहा है और ये स्टॉर्म में फंसा हुआ है, बिल्ड करते हुए जा रहा है और फंस गया। ओ क्या शॉट लगाया यार, मैं तो लगा ही नहीं सकता इतने खड़ी है। ओ गया वो, गया वो, गया। ऑडियो लेग क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, क्यों आ रहा है ऑडियो लेग, ऑडियो लेग क्यों हो रहा है भाई ये पता नहीं, अटक रहा होगा। तो अब ये जा रहे हैं सॉम सर्कल में, जाना है काफी दूर है यार, पेड़ तोड़ना है इसको, मगर पहले इतना सारा मटेरियल होने के बाद भी पेड़ तोड़े जा रहा है, अभी भी तोड़ रहा है। और तोड़ रहा है भाई, कितने तोड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन का यही रीजन है मेरे ख्याल से, जाके पेड़ ही काटता रहता है। देखो कैसे पूरा लेक घूम रहा है पेड़ काटने के लिए। तो ये किसी तरह महाशय पहुंच ही गए, मेरा एस्टिमेशन गलत था, यही होता है, मैं बहुत टाइम से खेल नहीं रहा सोलो, मगर अब देखना कब है ये लड़ता किससे है अब। ओ वहां पे दिख गया लोग, वहां स्नाइप करने की कोशिश, दो लोग वहां पे लड़ रहे हैं, तो दो लोग पता है इसको, एक वहां पे लॉन्च पैड है उसने देखा, ड्रोन्स है मगर ये माउंटेन टॉप पे जा रहा है, तो एक बंदा छुपा हुआ होगा जरूर मुझे लग रहा है, कोई छुप छुप के खेल रहा है। अब वो फ्लोट करते हुए भी इधर आ गया प्रेशर प्लांट के पास, वो रहा एक बंदा, और ये स्नाइप नहीं लगेगा इसको, बोल रहा था नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा मूव कर रहा है बंदा भाई, ये नहीं लगेगा। अब उस बंदे को पैनिक कितना हो रहा है, देखा तुमने ऊपर बिल्ड, यहाँ बिल्ड, यहाँ बिल्ड, वेस्ट कर दिया पूरा सामान, बंदे ने पैनिक हो गया वो। अब लोग 7 बचे हैं, तो एक यहाँ है नीचे जिसका निशाना नहीं लगा पा रहा, एक वहां, एक इसके पीछे। ओ ओ ओ भाई सब ट्राई कर रहे हैं शॉट्स लगाने का अलग अलग, ये एयर एडवांटेज लेके उसकी फॉलो कर रहा है, ये रहा। ओ ये शॉटगन ट्राई कर रहा बंदा, मगर बिल्ड किया इसने, एडिट किया और एसएमजी सेट का किया, अब वापस से क्या है ऊपर हाइट एडवांटेज ले रही, बंदा हील कर रहा है उसको, मारेंगे बॉल नहीं ले पाया ये, स्प्रेड करने की कोशिश, बंदा ऊपर है हाइट एडवांटेज ले रहा है बंदा, वापस हील कर रहा है, वापस तोड़ रहा है उसको, मिनी शील्ड यूज कर ली बंदे ने, ओ भारी डैमेज के साथ स्लिप, क्या होगा नीचे जा रहे हैं अपने आप को स्लर्प यूज कर सकें, मगर वो भागेंगे अब, स्लिप को भागना होगा, वो बंदे को एग्जैक्टली पता है स्लिप किधर है। ओ ओ ओ गया, एवरी लिम्ब सेट गया भाई, नहीं नहीं बच सकता है, स्लर्प पी लिया उसने और मिनी पी रहा है, और ये अपोनेंट ने बहुत गलती करी, ये मौका नहीं देना चाहिए था एवरी स्लिप को हील करने का, पुश कर देना चाहिए था, अरे ही अपोनेंट की गलती थी और इसलिए वो अपोनेंट मरने वाला है, और अब हमें एवरी लिम्ब सेट जीतेगा अपोनेंट के पास। इनकी वजह से लगता है स्टेट उतर नहीं पाया, और स्टेट वापस से निकलने की कोशिश, वहाँ से एडिट करा दौर जो भी नहीं करना चाहिए था, नहीं करने की कोशिश करी थी वो दौर की, चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है क्या हो रहा है, एक स्लर्प और 4 मिनट अभी भी बहुत अच्छा है। ओ शॉट ले सकता था स्टेट मगर नहीं लिया, शॉट बाहर देखने की पीक कर रहा है हवा में, वह सामने बंदा दिख रहा है, स्नाइप नहीं होगा, स्नाइपिंग बड़े ख़राब है एवरी लिम्ब सेट की, ये तो कहना पड़ेगा स्नाइपर नहीं उठानी चाहिए थी इसका। तो अब पता है 4 लोग में से 2 लोग पता है इसको किधर है, और 2 लोग का नज़र नहीं इसको, एक बंदा नीचे होगा जरूर, एवरी लिम्ब के पास लॉन्च पैड नहीं है, तो यहीं के एडवांटेज लेके ये छोड़ेंगे,
तो स्नाइपर ने उस बंदे बंद सरवाइव कर गए और ये लावा में फाइट है। ओके, एक बंदा सामने एक बंदा उधर है, दो तीन चार, चारों बंदे पता है, एटलीस्ट मुझे तो पता है, सिट को पता हो ना हो, सिट बोलेंगे शॉट के लिए। तो देखते हमारा सिट जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। ये पीक करने के लिए सिट ने तरीका देखा, बड़ा अच्छा तरीका है, नाइस, मैं भी यूज़ करूँगा, भूल जाता हूँ ऐसे। तो आप नहीं देख पा रहे होंगे मगर ये एडिट का यूज़ करके पीक कर पा रहा है कि और बंदे किधर है, तो उससे प्रोटेक्टिव भी एक तरह से और बचावा भी है। और ये बंदा गया, ओ सिट को फाइनली पता लग गया स्नाइप कैसे क्या यूज करते हैं। बंदा देख रहा है, एक बंदा उससे दिख रहा है सिट को, उधर दो बंदे और है, सिट को ध्यान रखना है चारों तरफ अपने, चार पास। इस सर्किल की लोकेशन अगली यहाँ होगी, यहाँ सिट को यहाँ पहुंचना चाहिए, सिट बड़े अच्छे से। ओ सिट यू मिस्ड इट अगेन, यू डोंट डिजर्व अ स्नाइपर। अबे एआर से मार, एआर ज्यादा डैमेज कर पाएगा सिट। ओके, तो सिट सर्कल में नहीं है। ओ फाइनली सिड ने स्नाइप कर दिया, फाइनली टॉप की सिचुएशन। सिड के पास लॉन्च पैड है, लॉन्च करते हुए लूट लेने गए। लूट में क्या है, रॉकेट लॉन्चर। क्या सिड लॉन्च रॉकेट लॉन्चर लेगा? मैं तो जरूर लेता रॉकेट लॉन्चर भाई, बहुत काम आना है रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्चर सिड ने ले लिया और ये सिड गए सर्किल में। ओ सर्किल में अब बिल्ड करते हुए सर्किल में जा रहे सेट। सेट को नीचे और करना चाहिए था, कमजोर है उनका। तेरा रॉकेट वगैरह सब है सेट के पास। अब सेट को क्लोज कॉम्बैट की तैयारी है, 1v1 हो गया है, वो बंदा मर चुका है और वो बंदे ने लॉन्च जंप पैड यूज किया, सेट प्रेशर बना रहे उस पे। ओ स्निप को स्नाइड करने की कोशिश मगर इनका नाकाम रही। ओ वो बंदे को स्नाइप करना नहीं आता है, बिल्कुल सिट की तरह है वो। लक बाय चांस, बंदा ट्राई कर रहा है। सिट जीतेगा ये गेम अगर सिट ने पैनिक नहीं किया तो। सिट के पास लॉकी लॉन्चर है, स्नाइपर है, हाइट एडवांटेज है और एक्सपीरियंस है। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं कि स्टॉर्म सर्कल कहाँ रुकेगा। और इस सिड ने बेहतरीन मूव है और ये फुल डैमेज से बच गया वो। सिड पुश कर रहे हैं, उसे पता है कि हेल्थ कम है, यही मौका है, मगर तब तक बंदे ने हील कर लिया। सिड पे भारी प्रेशर बनाने की कोशिश, दोनों मेडल यूज कर रहे हैं। सिड बड़ी शांति से बनाते हुए किया और हेडफोन का फायदा उठाया वाला है। और इस सिट जीत गया, मैंने कहा सिट जीतेगा, सिट जीत गया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, आज की वीडियो अलग थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बताना मैंने कीबोर्ड कब तोड़ा। बाय।